देखिए यहाँ पर बिल मेरी की, इसमें सांप है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश जाधव और आप देख रहे हैं सर्प मित्र आकाश जाधव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम पहुंचे हैं कातरड़ गांव, ये अहमदनगर जिला के अंतर्गत है। यहाँ से हमें बापू चांगदेव सत्रे इन्होंने कॉल किया था, उनके घर के पास कहीं दो सांप दिखाई दिया है, वैसे उन्होंने कॉल किया तो यहाँ पर हम पहुंचे उस सांप को रेस्क्यू करने के लिए। जो भी सांप मिलेंगे उसको रेस्क्यू करके एक सुरक्षित जगह पर रिलीज करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। चलो दिखाओ कैसे देता ये लगा। तो यहाँ पर इन्होंने सांप दे गए हैं, ये जो होता है गाय भैंसों को चारा देते ही है, और किसान लोग क्या है हाथ से निकलते ऐसे ही, तो ऐसे में सांप काट सकता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ऐसा साधन होता है किसानों के पास। इस वीडियो के माध्यम से सूचना देना चाहूँगा, जब भी आप गाय भैंस का चारा निकालते हो तो हाथ से मत खींचिए, पहले इस तरह से इसको खींच लीजिए बाहर निकाल कर, फिर वो चारा आप गाय भैंसों को दे सकते हैं। यहाँ पर बिल ये देखिए, इसमें सांप है, दो सांप है इसमें। तो यहाँ पर एक सांप हमने पकड़ लिया है, देख सकते हैं आप, ये धामन सांप, इसे इंग्लिश में इंडियन रेड स्नेक, हिंदी में मराठी में धामन घोड़ा पछाड़ इस नाम से भी इसे जानते हैं। तो दोस्तों इसको हम बैग में डालते हैं अभी, और दूसरा भी देखते हैं, इसी बिल में छुपा हुआ है। धामन सांप बिना जहर वाला सांप होता है, लेकिन ये काटता भी है, ऐसा नहीं ये काटेगा नहीं, ये बहुत जोर का काटेगा। लेकिन हमने इन सांपों का ट्रेनिंग लिया है, किस तरह से सांप पकड़ते हैं, किस तरह से इनको हैंडल किया जाता है, ये सब हमें पता है। इसलिए वीडियो देख करके ऐसे किसी ने भी सांप पकड़ने की कोशिश नहीं करना है, वरना ये आपके लिए जानलेवा होगा। तो चलिए अभी दूसरा सांप खोज लेते हैं कहाँ पर है, इसी बिल में कहीं होगा। नीला वर्ग
देखिए यहाँ पर चलिए यहाँ पर दोनों भी सांप हमने रेस्क्यू कर लिए हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि इतना सारा खोद करके दोनों सांप हमने बाहर निकाले हैं। वैसे तो ये सांप बिना जहर वाले होते हैं, इससे कोई खतरा नहीं होता है, लेकिन क्या होता है गांव वाले लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं इस सांपों को और डर के कारण सांपों को मार देते हैं। इसलिए हम लोग जो है सांपों को बचाने का काम करते हैं अहमदनगर में। आज ऐसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, इसमें हमने दो रैट स्नेक रेस्क्यू किए हैं। तो चलिए इसको हम बैग में डालते हैं, दोनों भी सांप हम एक सुरक्षित जगह पर पर्यावरण में रिलीज करेंगे। दोस्तों आपने देखा दो सांप कातड़गांव में रेस्क्यू किए थे, इन दोनों को यहाँ पर मैं रिलीज कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा इन दोनों सांपों को यहाँ पर हमने रिलीज किया है। इसी तरह सांपों के बारे में जानकारी जानने के लिए, रेस्क्यू वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल बटन दबाएं।